हेलो, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग, वेलकम टू हनिका शर्मा चैनल। आज हम आए हैं हैदराबाद के एनटीआर गार्डन में। एनटीआर गार्डन से पहले हम आए हैं एनटीआर मेमोरियल। यहाँ पर जो श्रद्धांजलि वगैरह दी जाती है, शहीदों के स्मारक वगैरह बनाए गए हैं। हम अभी आपको दिखाएंगे, अभी हम उसके एंट्रेंस गेट पर खड़े हैं। ये पीछे इसका एंट्रेंस गेट है और अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये आपको बैक साइड से ये एंट्रेंस के ऊपर ये स्टार्टिंग में ये बना हुआ है। इसके अंदर से मतलब गैलरी टाइप बना, गैलरी के अंदर से हम ये हनी ये देखो, हनी बोल रही है, हनी ने आते यहाँ पे हाथ जोड़ दिए थे। उसके यहाँ पे यमराज की फोटो दिख गई थी, यमराज की फोटो पे हाथ जोड़ दिए थे। हनी बाल बिल्कुल खराब हो गए, हेलमेट पहन रखा था ना तो बाल बिल्कुल चिपक गए। एक सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे शूज बाहर ही निकलवा दिए थे कि शहीदों के है ना स्मारक वगैरह है तो मतलब बना रखा है। शायद ये मेरे को लगता है पिक्चर बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं उनका शायद ये लग रहा है एनटीआर मेमोरियल, उनका लग रहा है। कोई शहीदों का नहीं है एक्चुअली, ये देखिए बना रखा है इनके लिए। ये सामने इसकी फोटो लगी इनके। अभी हम यहाँ पे आए हैं, इसके पीछे एक देखो पूरी अभी तैयार हो रही है, एक न्यू बिल्डिंग वो है। उसके बाद देखो आपको ऊपर से 360 के ये देखो ऊपर से ऐसे ओपन बना रखा है फोटो करके। वो एंट्रेंस गेट था, वो ऐसे गैलरी बना रखी है, काफी सुंदर डिजाइन है गैलरी का। और ये इसी के पास में पार्क है, अगर किसी को रेस्ट वगैरह करना हो तो आप वहाँ पे बैठ के रेस्ट करें। थोड़ी आज वैसे मोस्टली यहाँ पे मौसम बारिश का ही रहता है, बट आज थोड़ी धूप है तो भी हम यहाँ से नीचे उतर के गार्डन की तरफ जा रहे हैं। हनी आ जाओ, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ थोड़ी गर्म है इसलिए हनी को गोदी ले रखा है। अच्छा ये पूरा ट्रैक बना रखा है, ये देखो मैं दिखाता हूँ, इन्होंने ट्रैक टाइप का बना रखा है। मतलब घास है, घास के ऊपर से ट्रैक है। हाँ ये पूरा ट्रैक तो नहीं है, कंप्लीट ट्रैक नहीं है, बट ट्रैक जैसा ही है। ये देखो पूरा, ये पूरा गार्डन का व्यू मेमोरियल जो बना हुआ है उसका व्यू है। ये देखो हनी हमारी पहलवान की तरह ऊपर आ रही है। कम कम कम, ये देखो हनी हनी धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से ऊपर आ रही है, धूप बहुत तेज है। हनी हनिका हनिका के हाथ में चिप्स है और वो छोड़ नहीं रही है। हनी इस गार्डन की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि यहाँ पे जूतों के साथ किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा। अच्छी बात है यार कि रिस्पेक्ट है, मतलब किसी का मेमोरियल बनाया है तो उसको मतलब अच्छे से फॉलो या मेंटेन करना चाहिए, तो अच्छी बात लगी मेरे को ये। हनी ये देखो हनी बच्चों के साथ मस्ती कर रही है, बोल रही है बच्चों को, क्या बोल रही है हनी, क्या है ये देखो अनिका, अनिका की तीन चोटी देखो, तीन चोटी देखना भी कैसी लगी इसकी। ऐसे इसकी चोटी के काफी फैंस रहते हैं, जब जहाँ भी मॉल वगैरह में जाते हैं ना इसकी चोटी को देख के बड़े खुश होते हैं लोग, इसको खिलाने के लिए भागते हैं। एक तो हमारी हनी है ही क्यूट सी, देखो ए चाइनीज, चलो चाइनीज है, चलो भाई धूप होगी, हनी का को धूप लग रही होगी इसलिए हम अभी थोड़ी छाव देखते हैं, कहीं छाव मिलेगी तो वहां पर बैठेंगे। फोटो वगैरह, हाँ ये फोटो वगैरह भी लेनी है यार, आज गार्डन है एक्चुअली। हम थोड़ी देर में बिरला मंदिर जाने वाले हैं, तो बिरला मंदिर का टाइमिंग क्या है, 12 बजे क्लोज हो जाता है और फिर दोबारा रीओपन होगा 2 PM, तो अभी 1 PM हो रखा है, तो 1 घंटा हमारे पास है। तो 1 घंटे में हम ये एनटीआर मेमोरियल, ये पास में एनटीआर गार्डन है, सामने जल भी आ रहा है, ये 2-3 जगह घूमेंगे और आप लोगों को व्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे आइए, फाउंटेन बना रखा है इन्होंने इधर, फाउंटेन दिखाते हैं आपको। वो अभी तो बंद है एक्चुअली, रनिंग में जाम कोई साधे रनिंग में होता है। ये फाउंटेन बना रखा है, ये देखो स्टेयर्स हैं, ये फाउंटेन है, शाम को रनिंग में होता है काफी सुंदर लगता है ये, रात देखने लायक रहता है।
अभी हम लोग जा रहे हैं अपने कहीं छांव देख रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, सबने अपनी अपनी जगह ढूंढ रखी है, कोई पेड़ों के नीचे बैठा है, कोई पेड़ों की छांव में बैठा है, हमें भी अपनी जगह मिल गई एक, वहाँ बैठ के थोड़ा नाश्ता किया जाएगा। अब ये नीचे फर्श गीला है तो हम घास से जा रहे हैं अभी। हनी जी 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 मम्मी मेरे को नहीं पता, मैं तो जाऊंगी। क्या बोल रही है हनी, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। और ये देखो बैक साइड में आपको गार्डन का थोड़ा फोटो, इसके जस्ट बगल में ही गार्डन है, अभी हम वहाँ गए नहीं है, ये फिनिशिंग है तो मेन गेट से ही हम जाएंगे थोड़ी देर में, जब यहाँ से एग्जिट होंगे। गार्डन देखो, ये ट्रेन वगैरह भी झूलने के लिए, देखो बैक साइड में दिखाई दे रही हो तो, ये देखो पीछे ट्रेन वगैरह है, फिर हम उसमें जाएंगे तब आपको वहाँ का नज़ारा वो अच्छा लग रहा है। वो गार्डन यार घूमने लायक है, ट्रेन वगैरह है उसमें। चलो थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं, हम लोग बैठ के फिर हाँ चलेंगे, हाँ चलेंगे 5-10 मिनट में चलेंगे। बैठो इधर थोड़ी देर, हनी बैठो बेटा, थोड़ा हनी को कुछ नाश्ता वगैरह करा देते हैं। ये हम यहाँ बैठ गए, हनी ये पापा पास बैठे हैं, हनी इधर आ जा। ये देखो ये गोदी में बैठती है, धरती में नहीं बैठती ना। अच्छा चिप्स गिर गया इसका बाल मेरे तो बिल्कुल भाई चिपक गए हैं अच्छे से, क्योंकि बाइक पे बिना हेलमेट तो यहाँ हैदराबाद भाई हाईटेक सिटी है, जेड क्लास सिटी है, तो यहाँ तो बिना हेलमेट के तो निकलने देते नहीं है। एक्चुअली डबल हेलमेट ही लागू है, वैसे भी हेलमेट तो क्या अपनी सेफ्टी के लिए होता है तो हमें डालना भी चाहिए। ठीक है यार, थोड़ा अभी नाश्ता वगैरह किया जाए तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी उसमें NTR पार्क में जाएंगे तो पार्क वाले व्लॉग में हम मिलते हैं। ये था NTR मेमोरियल, तो हमारा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच एंड सपोर्ट अवर चैनल हनिका शर्मा ऑफिशियल। ये छोटी सी बच्ची है, इसके नाम पे हमारा चैनल है ना नी, हनिका का चैनल है, हनिका के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, बाय, जय श्री श्याम, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।